हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज दिलीप दवे एंड यू आर वाचिंग डीडी ब्लॉग। तो स्वागत है आप सबका आज के अपने रंगारंग ब्लॉग में। तो चलिए आज का रंगारंग ब्लॉग शुरू करते हैं। हाँ जी, तो बात कुछ ऐसी है, हम जा रहे हैं हमारे खुद के गांव में। जी हाँ, हम हमारे खुद के गांव में जा रहे हैं। एक्चुअली ये है हमारे नाना जी का गांव और हम जा रहे हैं खुद के गांव में, जिसका नाम है कठार। जी हाँ दोस्तों, और कठार के पीछे एक स्टोरी है। एक खुदा गवाह करके फिल्म की शूटिंग हुई थी, जो अमिताभ बच्चन की शूटिंग है, क्योंकि वहाँ पे सीनरी इतनी प्यारी है। तो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे, और वहाँ पे जाने के बाद हम थोड़ा इंजॉय करेंगे और दाल बाटी गर्मा गर्म बना बना के खाएंगे और एक टाइप का पिकनिक पॉइंट हो जाएगा। तो मजा आने वाला है। और तब तक के आप जर्नी के सिनेमेटिक्स का एंजॉय करो। तब तक के गुड बाय। हाँ जी, तो दवे परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है और दवे जी की बूटी वाले चैनल पे भी आपका हार्दिक स्वागत है। और फाइनली हम घर पे आ चुके हैं, गांव में पहुंच चुके हैं और आप यहाँ पे व्यू देख सकते हो, कितना प्यारा मौसम हो रहा है यार। पर ब्लॉग करते करते एकदम से बारिश आ गई, तो ठीक है, चलता है कभी कभी। और इसी के साथ हम यहाँ पे आ चुके हैं और अब हम चालू करते हैं काम। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ हम यहाँ पे आए क्यों हैं। हमारे जो देवी देवता है, जो कुल देवता है हमारे, उनके लिए हम थोड़ा प्रसाद यहाँ पे बनाएंगे, दाल बाटी। और इसी के साथ तो चलते हैं, अपन बनाते हैं दाल बाटी, कैसे बनती है अपन राजस्थान में वो देखते हैं। और तो चलो चलते हैं। तो आओ चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कैसा क्या तैयारी हुई है और थोड़ा दाल बाटी गर्मा गर्म बनाएंगे। और अरे यार, मार रही है, उठ साला, मेरे गांव की भैंस मेरे को ही मार रही। चलो अब आ गए यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ तैयारी चालू हो चुकी है। और अभी हम भी थोड़ा काम वाम कराएंगे, मामा के साथ हेल्प वेल्प कराएंगे। मामा कब तक के बन जाएगी? एक दो घंटा? तीन घंटे लगेंगे। तीन घंटे में एकदम स्वादिष्ट शानदार पानी आ जाएगा मुंह में। मेवाड़ का चूरमा। अच्छा, मेवाड़ का चूरमा, मेवाड़ की दाल बाटी, राजस्थान की दाल बाटी। तो इसी के साथ अपन बनाते हैं, तब तक के आप भी देखो कैसे क्या बनता है और काम वाम करते थोड़ा यार, ठीक है? तब तक के क्या है, तब तक के दवे जी की बूटी बन रही है, तब तक के खाओ उसके बाद। हाँ जी, तो गाइस हमने जो गाय के सूखे गोबर होते हैं वो उस पर बिछा दिए, इसको तोड़ दिए, इसके ऊपर बनेगी देसी बाटी और मजा आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना तुम लोग यार, अभी भी तो और आगे मजा आएगा, अपन गांव एक्सप्लोर करेंगे। अपना सिनेमेटिक शॉट्स तो अभी तक आए नहीं, आएंगे, बहुत मजा आएगा। और इसको इसके बाद अब इसको अपन आग लगाएंगे, है ना हर्ष? हाँ। इसको आग लगाने के बाद अच्छी तरीके से जब ये पूरा बिखर जाएगा फिर इसके ऊपर गरम गरम बाटी सेकेंगे, तो मजा आने वाला है यार, एक देसी इसमें, देसी स्टाइल में। तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है? और जो चैनल पे न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। क्यों? हाँ जरूर करना यार, भाई मेहनत कर रहे हैं तुम्हारा। चैनल सब्सक्राइब, दवे जी की बूटी बूम। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ जी, तो आग लग चुकी है और थोड़ी देर में ये पूरा अच्छे से बिखर जाएगा, उसके ऊपर हम सेकेंगे गरम गरम बाटियां। तो आइए देखते हैं क्या होता है। और ये है गांव का देसी चूल्हा, यहाँ पे दाल वाल बनेगी बढ़िया, तो आप देख सकते हो हैंडमेड है पूरा। हाँ जी, तो जैसा कि आपने देखा कहीं दाल बन रही है मस्त चूल्हे पे, कहीं बाटी सेक रहे हैं, तो मजा आता है यार एक तो गरम गरम खाने। हाँ जी, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बाटियां सेक रहे हैं मामा जी।
मामा। हाँ जी। कितना हो गया? बस कंप्लीट है। हाँ, ये तीन प्रोसेस होते हैं इसके। अच्छा, पहला प्रोसेस कौन सा? पहला आटा। हाँ, आटे का फिर बनाते बाटा। अच्छा, और बाटे का फिर वापस बनाते आटा। हाँ, और उसका बनता है चूरमा। अच्छा, चूरमा बन के तैयार हो गया है। अच्छा, वो मैं लड्डू यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, लड्डू बन रहे हैं यहाँ पे अभी, वो भी बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, देसी घी के लड्डू, तो वो भी बताऊंगा। और उसके आगे का बामा बताओ। उसके बाद में उसके साथ में ये बाटी तैयार हो रही है। हाँ, इसको भी देसी घी में चोपड़ेंगे। अच्छा, हम नागपुर में होते तो वो कुकर वगैरह में बाटियां सेकते थे, पर यहाँ का अंदाज ही अलग है गाँव का। देखो, ये गाय के गोबर के कंडे के ऊपर बनती है भाई। हाँ, ये तो मैंने उनको बताया, मेरे व्यूअर्स को, पहले वीडियो में। तो सही है, अपना अपना अंदाज है कि नहीं? ये हमारे मेवाड़ का फेमस खाना है। ये तो है ही है यहाँ पे, चूरमा खा ले बेटा चूरमा। क्या बात है, एक बार वापस बोलो। दाल बाटी चूरमा खा ले बेटा चूरमा। क्या बात है, क्या बात है। मेवाड़ का फेमस खाना है, और जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर दाल बाटी की विशेष दुकान शॉप मिल जाएगी, होटल, और विशेष डिश में काम आता। पर ये मैंने देखा है कि राजस्थान में जैसे दाल बाटी मिलती है ना, वैसे आउट ऑफ कहीं नहीं मिलती है, जैसे यहाँ पे बनती है वैसे। अगर मारवाड़ी मेवाड़ी कहीं बाहर है। हाँ, तो वो शौक से लगाते हैं, और हर मारवाड़ी मेवाड़ी पूरे इंडिया में घूमे हुए हैं, तो वो शौक से वहाँ पे जाके और इसका लुत्फ लेते हैं। सही बात है। तो ठीक है, चलो आओ, पूरा प्रोसेस हो जाता है, अपन पूरा बन जाएगा, फिर आपको सिनेमेटिक दिखाऊंगा थाली की, बढ़िया, आपको मुंह में पानी आ जाएगा। ठीक है, तब तब मिलते हैं आपको पूरा बनने के बाद। गुड बाय। हाँ जी, तो दाल बाटी बन रही है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा देसी स्टाइल में बन रहा है, और 2-3 घंटा लगता है कम से कम। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सिनेमेटिक शॉट्स अपने थाली का, पूरा जब पूरा बन जाएगा, तब तक कि अपन देखते हैं यहाँ पे गांव का व्यू और मेरे कठार गांव का व्यू। और आप देख सकते हो कितना प्यारा मौसम तो यार यहाँ पे राजस्थान में एनी टाइम रहता ही है अच्छा। और इसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पीछे पहाड़ है, और यहाँ पे ना रात को पैंथर आते मैंने सुना है, और जैसे ही आते हैं ना ये लोग खिड़कियाँ खोल के देखते हैं, यार इतना पास से निकलते पैंथर। तो आओ देखो यार, अभी थोड़ी देर पहले बारिश आई थी, तो आपको जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, वहाँ पे कम से कम 8 से 10 मोर यार पंख खोल के नाच रहे थे, इतना प्यारा लग रहा था। और बस अब देख सकते हो खेती खेत है आजू बाजू, और ये देखो भाई साहब मस्त देसी स्टाइल में यहाँ पे दाल बन चुकी है, आया है स्वाद आ गया, मजा ही मजा आ गया देख के। और चलो अब चलते हैं लड्डू की ओर, और ये लड्डू भी हो गए हैं रेडी, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खाना। हाँ जी, तो फाइनली हमारा वेट हो गया है खत्म, अब मैं आपको दिखाता हूँ देसी दाल बाटी और लड्डू के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना प्यारा लग रहा है, और ये है बाटी, ये है लड्डू, दाल और सामेरा। तो अभी मम्मी स्टार्ट करने वाली, मम्मी चालू करो, और हमारे व्यूअर्स को बताओ कैसा बना है। बहुत अच्छा बना। अरे आपने खाया तो नहीं, कैसे बना? बहुत अच्छा, भगवान का प्रसाद है, बहुत अच्छा बनता है। सही बात है, भगवान का प्रसाद तो अच्छा ही बनता है। तो ठीक है, हम करते हैं एंजॉय, तब तक के आप सिनेमेटिक शॉट्स एंजॉय करो, गुड बाय। हाँ जी, तो फाइनली हमारा दाल बाटी का प्रोग्राम हो चुका है, और आप देख सकते हो अभी मैं जा रहा हूँ, हमारी कुल देवी है उनके दर्शन करने, और हमारी कुल देवी का नाम है बड़वासन माता। वहाँ का जो पॉइंट है ना दोस्तों, सच बता रहा हूँ क्या खतरनाक पॉइंट है। तो चलो आपको मिलते हैं, तब तक आप सिनेमेटिक शॉट्स का एंजॉय करो, गुड बाय। नहीं नहीं नहीं, गलत आ गए, गलत आ गए, रुक जा। हाँ जी, तो यार हमारी हो गई है पोपट, हम आ गए यहाँ पे बनास की ओर, क्योंकि यार 2-3 साल बाद आते हैं तो गांव का रास्ता भूल गया मैं। तो जो कुंभलगढ़ का जो रोड है, कुंभलगढ़ जो किला है उसके रोड पे है, तो यार वापस हमको कम से कम 1 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं। मेन रोड कहाँ पर है यहाँ से? कठिन है ये प्रवासन माता, माता जी रो मंदिर है एक बटे। हाँ, तो रास्ता यहाँ से है ना? हाँ, वहाँ पे ठीक है, आधा किलोमीटर, चल यहाँ से चल, ठीक है, धन्यवाद। चलो यार अब आते हैं, लेट हो जाते कभी कभी, अंधेरा भी हो रहा है, सिनेमेटिक शॉट्स दिखाने, बहुत प्यारी जगह है, मिलते हैं वहाँ पे। तो ये आ गया है मेन रोड, और यहाँ से आधा किलोमीटर है, और ठीक है चलते हैं, तब तक के यार क्या मौसम हो रहा है यार, मजेदार। इन वादियों में यूं तो कहीं
दोस्तों ये है रिवर रॉक का रेस्टोरेंट। तो कोई भी अगर कुंभलगढ़ साइड आता है उससे 2 किलोमीटर आगे यहाँ पे रिवर रॉक का रेस्टोरेंट मिल जाएगा आपको। बहुत प्यारा रेस्टोरेंट है, मैंने बाहर से तो इसका व्यू देखा, बहुत ही प्यारा था। तो जो कोई भी आएगा इस साइड आप आ सकते हो यहाँ पे। चलो अपन चलते हैं अपने मंजिल पे। तो गाइस वो दिख रहा है आपको, वो पहाड़ों के ऊपर वो है मंदिर। चलो चलते हैं, आ गए हैं हम। हाँ जी, तो फाइनली हम पहुंच गए मंदिर में और आप पीछे देख सकते हो क्या सीन सीनरी है। और इसी के साथ ये जो रोड आपको दिख रहा है ये कुंभलगढ़ से रोड आ रहा है और ये जाता है राजसमंद साइड। तो अब चलते हैं ऊपर, दर्शन करते हैं और ये माता रानी की भी क्या है, मतलब किस चट्टान पे जाके बैठी वो, तो वो भी देखते हैं और आपको रूबरू कराते हैं कि यार सही में क्या नेचर का अंदाज है। ठीक है यार, चलो चलते हैं। और आपको जो ये पानी दिख रहा है ना, ये जो पानी है कुंभलगढ़ से आ रहा है और यहाँ का भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले अपन दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये है बड़वासन माता का मंदिर और यहाँ पे देख सकते हो कितने यानी अंदर चट्टानों में माँ बैठी हुई है और ये हमारी कुल देवी। और हम दर्शन वर्शन कर लेते हैं, तब तक के आप क्या एंजॉय करो। तो गाइस ये आप देख सकते हो अति सुंदर श्रृंगार किया हुआ है, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये है हमारी कुल देवी बरवासन माता और पीछे आप देख सकते हो, पीछे गुफा थी तो बंद हो गई है वो तो, और यहाँ पे इनका स्थान है। तो चलो अमन चलते हैं बाहर और सिनेमेटिक शॉर्ट्स का एंजॉय करते हैं। पे दर्शन करके आ गए, अब यहाँ से जो व्यू आता है दोस्तों आहा मजेदार, कितना सही व्यू है। ऐसे दिन भर यहाँ पे बैठे रहो ना, और हवा क्या आ रही, ठंडी ठंडी हवा। ये जो नदी है ये कुंभलगढ़ से आ रही है, पानी यहाँ पे देख सकते हो। अभी जो है वो बारिश का टाइम आने का है, तो जब बारिश आती है ना तो यहाँ का पानी ऐसे रोड पे आता है, ऐसा सुना है मैंने, कभी देखा नहीं क्योंकि अपन तो नागपुर में रहते हैं। तो आप यहाँ पे व्यू देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, उधर सनसेट हो रहा है, बादल आहा क्या सही में क्या मजा है। सच में मेरा गांव भी कितना प्यारा है कि नहीं। हाँ जी, तो यहाँ पे आपने व्यू तो देख लिया है और ऊपर मंदिर के ऊपर ये सीढ़ियां हैं ये ऊपर जा रही है, तो ऊपर भी भोलेनाथ का मंदिर है, छोटा सा एक भोलेनाथ का लिंग है, ऊपर जाके देखते हैं अपन। और ये हर्ष मेरे को थोड़ा कैमरा पास करवाना, मैं ऊपर जा रहा हूँ। आओ चलो चलते हैं ऊपर। और मैंने सुना है कि ऊपर जो है एक दो बार वो उसके ऊपर सांप भी आके बैठा था सच में, तो जब मेरे पापा आए थे उनके साथ आया था मैं। तो आओ देखते हैं कहाँ है रे, ऊपर तो नहीं है, अच्छा और ऊपर है क्या, ये यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो मंदिर के ऊपर या ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने पहले था देखा कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे शिवलिंग था सही में, पता नहीं अब क्या है। कोई बात नहीं, यहाँ से आप व्यू देख सकते हो आहा अति सुंदर, कितना सही नजारा है दोस्तों, मैं सही में बता नहीं सकता हूँ। ध्यान रखना वहाँ पे सांप वाप भी आते हैं ऊपर जो चट्टान से, ऊपर पहाड़ है पूरा और आजू बाजू भी पूरा पहाड़ है, बस बीच से रोड जा रही कुंभलगढ़ के लिए। तो ठीक है यार, बहुत सही नजारा है। सच में यार बहुत यानी क्या प्रकृति है, आनंद नंद बे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद बे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल, हो तेरी लगन में मगन मैं नाचू गाऊ तेरा जगराता, मैं बालक तू माता शेरवालिये, है टूट ये नाता शेरवालिये, हो मैं बालक तू माता शेरवालिये, है टूट ये नाता शेरवालिये, ओ शेरवालिये माँ पाड़ा वालिये माँ जोधा वालिये माँ नहर वालिये माँ, मैं बालक तू माता शेरवालिये, है टूट ये नाता शेरवालिये। बोल बरवासन मात की जय, बोल भैरो नाथ की जय।
सच में आज आनंद आ गया यार दोस्तों, मजा आ गया, कुछ भी बोलो। तो चलो इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के क्या है, तब तक के लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको यार, और दवी जी की बूटी बम। दवी जी की बूटी हाय हाय, दवी जी की बूटी हाय, दवी जी की बूटी हाय हाय, दवी जी की बूटी हाय।